आज मुजफ्फरनगर में भारत रत्न संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर केंद्रीय राज्य मंत्री मुजफ्फरनगर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बलियान और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और नगर विधायक कपिलदेव अग्रवाल ने कोर्ट रोड पर स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर पहुंचकर सर्वप्रथम माला अर्पण कर पुष्प अर्पित किए, जिसके बाद बाइक रैली निकालकर शहर के रादासपुरी आर्यपुरी साकेत में स्थित रविदास मंदिर में जाकर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करते हुए शिरकत की। भाई साहब आ जाओ आप भी प्रभु जी, किस तरह का आज मंदिरों में? आज बहुत ही उत्सव जैसा माहौल है। संविधान निर्माता शिक्षाविद समाज में समान रूप से लोगों के प्रत्येक वर्ग को, दलित समाज को, गरीबों को, ऐसे सब लोगों को समान रूप से अधिकार दिलवाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को मनाने के लिए, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए डॉक्टर संजीव बनियान जी भारत सरकार में मंत्री हैं, मुजफ्फर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, उनकी साथ भारतीय जनता पार्टी के सब लोग, समाज के सब लोग उनको नमन करने के लिए प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक बस्ती के अंदर मंदिरों में उनकी प्रतिमा पर जाकर के उनको पुष्पांजलि अर्पित की, उनको नमन किया, उनको प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद भाई साहब बना रहे। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी स्मृति में पंच तीर्थ बनाकर के पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में संदेश देने का काम किया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए बहुत ही सम्मानित भी हैं, पूजनीय भी हैं, और उन्होंने समानता के नाते गरीब से गरीब व्यक्ति को भी और अमीर से अमीर व्यक्ति को भी राजनीतिक रूप से बराबर का अधिकार दिया, सबको एक वोट का अधिकार दिया। आज जो ये माहौल होता है समाज के प्रत्येक वर्ग को राजनीतिक क्षेत्र में, सरकारी नौकरी में स्थान मिलता है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और श्रद्धासुमन अर्पित करने आए हैं। क्या कहेंगे बाबा साहब? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती है और पूरे देश में हर वर्ग आज ये जयंती मना रहा है। हमारे संविधान की रचयिता जिन्होंने इस देश की नींव डाली, आप ये कहिए, वो बाबा साहब जिन्होंने बहुत कुछ दिया, वंचित पिछड़े दलित उन्हें ऊपर उठाने का काम किया, उनकी आज जयंती है। पूरा देश मिलजुल कर इस जयंती को मनाया, उन्हें सदा जयंती।